हेलो माय डियर, वेलकम बैक ऑन यूके एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 11th के अकाउंटेंसी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आप ही की डिमांड पे लाया गया। इस सीरीज का आज चैप्टर नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग की जरूरत क्या होती है, हमें नीड क्यों है। दूसरा हम समझेंगे अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है और अकाउंटिंग के कैरेक्टर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें यकीन है आपको पता है कि हम अपने क्लास में अकाउंट के साथ साथ इकोनॉमिक्स पे भी हमने वीडियो बना रखा है जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफाइन किया है। वो आपको पसंद आया है और मुझे यकीन है कि अकाउंटेंसी की भी सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह अपने अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर पे, यह हमारा लेक्चर फर्स्ट है इस अकाउंटेंसी पे। इसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, हमें नीड क्या है अकाउंटिंग की। तो देखिए कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए हम अकाउंटिंग की स्टडी करते हैं। जैसे कोई भी बिजनेसमैन होता है, एट द एंड ऑफ इच ईयर, लास्ट साल के लास्ट में ऑल द बिजनेसमैन वॉन्ट टू नो हाउ Must they have gained or lost during the year? कोई भी बिजनेसमैन ये जरूर जानना चाहता है उसने पूरी ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस हुआ है उसे, ये। और इसके साथ ही वो ये भी जानना चाहता है कि पूरे साल जो भी उसने प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट क्या रही है, ठीक है। इसके साथ ही वो ये भी समझना चाहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिजनेबल है या नहीं हमारे लिए, इट मीन्स उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, क्या उसकी सेलिंग प्राइस जो हमने रखी है वो राइट है, करेक्ट है या नहीं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं किसी बिजनेसमैन के लिए, इट मींस किसी फर्म के लिए, तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर हमें अकाउंटिंग से मिल जाता है। और इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं क्योंकि वो हमें अपने फॉर्म से रिलेटेड, इट मींस अपने बिजनेस से रिलेटेड हमें सारे इंफॉर्मेशन एक जगह बहुत सिंपल एक वेल मैनर में हमें प्रोवाइड हो जाए, इसलिए हम अकाउंटिंग को एक्सेप्ट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है किसी भी बिजनेस को एक मैनर में आगे बढ़ाने के लिए, या उसे ये कह लीजिए एक मैनर में, एक वे में उसको ग्रो करने के लिए अकाउंटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए हमने देखा अकाउंटिंग की नीड क्या है, ये समझने की कोशिश की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, इट मींस अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो चलिए समझते हैं अकाउंटिंग मींस आप कलेक्टिंग, क्या कलेक्टिंग, डाटा, किससे, जो फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन होते हैं, जो हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन मतलब कि जो भी आप मनी के टर्म्स में ले खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, लेन देन जो भी हो रहा है फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन, उस डाटा की कलेक्टिंग करना और उसे कलेक्टिंग करना, उसके साथ ही उसे समराइजिंग करना, इट मीन्स समराइज का मतलब उसको इस वे में प्रेजेंट करना, इस वे में डाटा को कलेक्ट करना जो अंडरस्टैंडिंगेबल हो, जिसको समझा जा सके बहुत ही इजी वे में, इसमें जो भी यूजर्स है इसको, इस डाटा को जो भी यूज करने वाला है वो बहुत ही इजी वे में इसके इंफॉर्मेशन को समझ सके वो। एंड एनालिसिस इस डाटा का एनालाइजिंग किया जा सके और लास्ट में इसकी रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, और इस डाटा को हम मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके, इट मींस रिपोर्ट कर सके, इसका रिजल्ट दे सके कि हमारे बिजनेस में टोटल कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ, हमें क्या कॉस्ट आई है, हमें क्या लायबिलिटीज है जो साल के लास्ट में पे करनी है। ये सारे क्वेश्चन का जो क्वेश्चन अराइज होते हैं
उसके हमें आंसर मिल सके, इसीलिए हम अकाउंटिंग की स्टडी भी करते हैं और यही अकाउंटिंग का मेन थॉट इट मींस मेन मीनिंग भी होती है। बहुत ही सिंपल वे में हमने आपको अकाउंटिंग की मीनिंग को डिफाइन करने की कोशिश की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, या तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या तो आप इसे फीचर्स कह लीजिए अकाउंटिंग के फील्ड में। इट मींस अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दिए गए हैं जिसमें हम डिस्कस करके उसे और बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं। इट मींस किसी भी पॉइंट या टॉपिक का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उस टॉपिक को और अच्छे से डिफाइन किया जा सके या उस टॉपिक में जो मेन टर्म्स है मेन पॉइंट है उसे और अच्छे से समझा जा सके। तो चलिए हम अकाउंटिंग को और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कहता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब ये अकाउंटिंग आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है, क्यों? अब देखिए बहुत छोटा सा अगर एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे कि आपको पता है इन दिनों बहुत ही आप खुद देखते होंगे आईपीएल मैच, उसमें अगर मैं कहूं आईपीएल मैच का एक एग्जांपल दूं जो आप बहुत अच्छी तरह से देखते भी है समझते भी है जानते भी, लेकिन वहां पे भी एक सिंपल सा लॉ लगता है जैसे कि जो बैट्समैन होता है आप देखते हैं बैट्समैन जो होता है वो क्या करता है, जो बॉलर है उसके डाटा को कलेक्ट करना उसे समराइज करता है और बाद में उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट इंटरप्रेट करता है। अगर उसने सही से डाटा को कलेक्ट किया है मतलब बॉलर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है तो जो उसका रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो उस बॉल को बहुत अच्छे से हिट कर सकता है। लेकिन उसी तरह से जो अकाउंटिंग भी होती है अकाउंटिंग इज एन आर्ट, जैसे बैट्समैन का खेलना एक आर्ट होता है उसकी अपनी तरह से उस बॉल को खेलना एक कला है, उसी तरह अकाउंटिंग भी जो भी अकाउंटिंग करता है उसके अकाउंटिंग करने का अपना एक आर्ट है। और साइंस किस वे में, साइंस हम इस वे में कहते हैं क्योंकि अकाउंटिंग के कुछ स्पेशलाइज प्रिंसिपल होते हैं जो रिपोर्टेड है मतलब जो लीगली है जिसको हम अपने अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं, तो कुछ स्पेशलाइज्ड प्रिंसिपल होते हैं इसकी वजह से जो सिस्टमेटिक होते हैं जो सभी फॉलो करते हैं इसके लिए हम कहते हैं अकाउंटिंग एक आपका क्या है एज वेल एज साइंस भी है। तो हम इसे अकाउंटिंग को दोनों में काउंट करते हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। चलिए इसके सेकेंड टॉपिक पर डिस्कस करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। इट मींस हम अकाउंटेंसी में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका क्या मतलब है देखिए, क्या अगर किसी भी टॉपिक का एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाया जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अकाउंटिंग जो रिकॉर्डिंग इट मींस अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ही होता है। तो कहने का ये मतलब है जो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेन देन करते हैं हम सिर्फ उसी को अकाउंट में इंक्लूड करते हैं या इट मींस उसी की अकाउंटिंग बनाते हैं, और अदर थिंग्स ऐसे बिजनेस में बहुत कुछ होता है हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करते। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं जो मैनेजर है जो सेल मैनेजर है जो मार्केट मैनेजर है तो उनके बीच अगर किसी तरह का क्वारल झगड़ा लड़ाई होता है या कोई भी ऐसे मैटर्स होते हैं जो बिजनेस में लॉजिकली होते रहते हैं उन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ अपने अकाउंटिंग में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करते क्योंकि वो हमारे अकाउंटिंग पर्पस से इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ बिजनेस पर्पस से, क्योंकि हमें यही बताएंगे कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारे बिजनेस की न्यू पड़ी है और इसी के आधार पर हमारे बिजनेस का फ्यूचर तय होना है। तो इसीलिए हम इरिलेवेंट टॉपिक को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिलेटेड टॉपिक की ही एंट्री करते हैं अपने अकाउंटिंग में। चलिए हम थर्ड अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिस्कशन करने की कोशिश करें तो हमारा थर्ड है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, हम अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्ड करते हैं
उसे इन टर्म्स आप मनी में करते हैं। जैसे सपोज दैट आपने जो भी चीज गुड्स या सर्विसेज परचेज किया है, तो आपने जैसे कि आपने 10 पेन खरीदा है, 10 बुक खरीदा है, तो ये सब कुछ है, बट इसकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसके आधार पे ही हम अपनी अकाउंटिंग में इसकी एंट्री करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि अगर आप कोई सामान परचेस कर रहे हैं तो उसे आप एंट्री दिखाएंगे जर्नल एंट्री में भी, और अगर क्रेडिट में सामान परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी सब्सिडियरी बुक्स होती है, जैसे कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक्स होती है, सेल्स रिटर्न बुक्स होती है, इस तरह बहुत तरह की आपकी कह लीजिए सब्सिडियरी बुक्स भी होती है। उसके आधार पे जो भी आपका ट्रांसैक्शन होता है उसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी में कैलकुलेट करके हम अपनी एंट्री करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग में जो भी एंट्री होती है वो इन टर्म्स ऑफ मनी के फॉर्म में होती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा क्लासिफाइंग। अब ये क्लासिफाइंग क्या है, बहुत अच्छे से बहुत इजी वे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्लासिफाइंग जैसे वर्ड से ही डिक्लेयर हो रहा है, हम अपने पूरे टॉपिक को क्लासिफाई कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी मैटर को अगर क्लासिफाई करते हैं तो वो इजी हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब हम किस अकाउंटिंग में किस चीज का क्लासिफाइंग करते हैं, तो अकाउंटिंग में क्लासिफाइंग वहां पे आता है, जैसे कि सपोज दैट हम क्या करते हैं, कोई भी जर्नल एंट्री बनाया हमने, अब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ उसकी एंट्री दिखाएंगे हम, अब एंट्री को सेपरेट एक अकाउंटिंग उसका पर्सनल लेजर अकाउंट बनाते हैं, वहां पे सेपरेट एंट्री दिखाते हैं, पर्सनल पर्सन से, इंडिविजुअल पर्सन से या कंपनी से जो भी हमने ट्रेड किया है उससे रिलेटेड, तो एंट्री बनाते हैं। इट मींस हम एक एक टॉपिक को अलग अलग पार्ट में स्पेशलाइज करके उसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे उसको क्लासिफाई कहते हैं कि अलग अलग उसके जो डिग्निटी है उसके आधार पर हम उस टॉपिक को बांटते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं अकाउंटिंग में क्लासिफाई करना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब होता है, सिंपल सा वर्ड है, समराइजिंग का मतलब जो भी डाटा प्रेजेंट किया गया, मतलब जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया उसको समराइज करना, इट मींस उस डाटा को ऐसे प्रेजेंट करना, ऐसे लिखना जो अंडरस्टैंडेबल हो, इट मींस समझने लायक हो, या आप ये कह लीजिए जो भी उस डाटा का यूजर होगा, जैसे कोई भी डाटा होगा उसका जो मैनेजर हो या अकाउंटेंट हो या अदर पर्सन हो, जो भी उस डाटा का यूज करेगा उसके अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, इट मींस उसको इजीली समझ में आए ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, तो उसे हम समराइजिंग कहते हैं, कि मतलब डाटा को ऐसे प्रेजेंट करना जो ज्यादा इजी वे में समझ में आए, या उसको डिटेल में मतलब डिटेल में प्रेजेंट करना कि जो इजीबल हो समझने में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। अब ये क्या है, एक बहुत नया पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। आपका जो भी डाटा है, आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है, गेन, इट मींस गेन हुआ है या लॉस हुआ है, एट इन लास्ट में आप क्या करते हैं, साल के लास्ट में उस डाटा मतलब पूरी अकाउंटेंसी का रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं कि आपको इतना परसेंट प्रॉफिट हो गया या इतना परसेंट लॉस हो गया, आप पूरा अपने बिजनेस का एक बैलेंस शीट तैयार करते हैं, उसमें पूरा बातों को, मोटी मोटी बातों को डिफाइन कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इट मींस पूरे ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर के डाटा का जो रिजल्ट आता है उसको इंटरप्रेट करना, उसे बताना। लास्ट में कम्युनिकेटिंग, जो डाटा होती है, ये कम्युनिकेटिंग जो लास्ट टॉपिक है, इसमें क्या है कि जो डाटा होती है वो क्या करती है, अपने यूजर से डाटा को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जो अपने यूजर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है, वो खुद बताती है कि वो क्या शो अप करना चाहती है। तो इस तरह हम डाटा को, लास्ट पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इट मींस कह लीजिए जो अकाउंटिंग होता है वो खुद शो अप करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है जो उसका यूजर्स होता है उसको समझने के लिए, तो इसलिए कहते हैं कि वो यूजर से कम्युनिकेट भी करता है आपका। इस तरह हमने जो अकाउंटिंग के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट मींस जो फीचर्स हैं, उसको भी डिटेल में समझने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक
इट मींस अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है वो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगर इस पूरे टॉपिक में कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज थोड़ा कर भी दीजिए, और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।